बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए जो है ना ये झींगा मच्छी बना रहा हूँ, झींगा मसाला। ठीक है जी, तो इसमें जो चीज़ें मैंने ली हैं ये तकरीबन 500 ग्राम मैंने ये झींगा मच्छी ले ली है। ठीक है, और ये बिल्कुल तैयार है। ये सिर्फ जो है ना ये देखें, बिल्कुल ये साफ़ है, इस जो है ना कोई ऊपर चमड़ी वगैरह नहीं है। ठीक है, तो एक प्याज मैंने तकरीबन 150-200 ग्राम, ये आधा मैं इस्तेमाल करूंगा पहले और आधा बाद में करूंगा। ठीक है, एक टमाटर मैं छोटा सा ले लिया है, ये मैंने गार्लिक ली है। ठीक है जी, तकरीबन 4-5 जो है गार्लिक के ले लिए हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने ये फ्रेश धनिया ले लिया है और ये चिली है, चिली मैंने जो है ना ये थोड़ी सी चिली ले ली है फ्रेश। ठीक है जी, उसके बाद जो है ना मसाले मैंने लिए हैं, ये देखें, ये हल्दी है 1 टीस्पून, ये गरम मसाला 1/2 टीस्पून, ये 1 टीस्पून मैंने चिली पाउडर लिया है और थोड़ी सी जो है ना ये कुटी हुई मिर्च। ठीक है, ये दोनों तेज़ हैं। नमक 1 टीस्पून लिया है, धनिया मैंने 1 टीस्पून ले लिया है, 1 टीस्पून मैंने जीरा ले लिया है। ठीक है जी, तो तेल जो है ना तकरीबन 100 ग्राम तेल जो है ना हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। लो जी, इसमें हमने जो है ना ये डाल दिया है तकरीबन 100 मिलीलीटर तेल। लो जी, प्याज थोड़ा सा गर्म होगा, तो ये हमने हाफ जो है ना ये प्याज हमने डाल देना है ये। ठीक है, हाफ जो है ना बाद में हम जो है ना कच्चा कच्चा ही इसमें रखेंगे। ठीक है, लो प्याज थोड़ा सा सोते हुआ, तो ये जो है ना ये लहसुन जो है ये इसमें डाल देता है। ठीक है जी, लहसुन इसमें गया जी। लो इसमें जो है ना ये अब थोड़ा सा सोते हो जाए प्याज, तो इसमें ये डाल दें आप झींगा मच्छी। ठीक है जी, तो इसको जो है ना आप थोड़ा सा पकने दें। आप इसको अलबीर भी कर सकते हैं, दो टुकड़े भी कर सकते हैं, एक भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है ये। ठीक है जी, ये आपकी मर्जी। लो जी, अभी इसमें जो है ना सब मसाले डाल देने, जितने भी मसाले। ठीक है, ये मसाले हमने डाल दिए। ये देखिए, ये हमने इसमें थोड़ा सा भुना है ये जो है ना प्याज और लहसुन में, क्योंकि इसका जो है ना मच्छी का जो है ये कच्चापन होता है, ये कुछ वो इसमें जो स्मेल होती है ना, इसमें जो है ना ये थूम में जो है ये ख़त्म हो जाती है। अभी थोड़ा सा पानी लगा लें मामूली सा, बस। ठीक है, इसको भून लें तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए भूनें इसको, जो मसाले को ये लें जी। मसाला जब भून जाएगा तो इसमें जो है ना हम बाकी का सामान डालेंगे। लो जी, इसमें जो बाकी का बचा हुआ प्याज है ये डाल दें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है ये टमाटर डाल दें। ठीक है जी, और साथ ही जो है ना ये जो सामान है ये धनिया और जो चिली है ये भी साथ डालेंगे 1 मिनट के बाद। लो जी, एंड ये जो है ना धनिया और जो है ये चिली इसमें डाल दें। सिर्फ 1 मिनट के लिए हम पकाएंगे इसको और। ठीक है,
उसके बाद जो है ना ये तैयार हो गया ये मसाला, ये फिश मसाला जो है ना ये हमारा रेडी हो गया। ठीक है जी, ये सिर्फ एक मिनट इसको जो है ना और, क्योंकि ये जो चिली है इसकी, ये देखें प्याज जो है ना ये कच्चा कच्चा प्याज जो है, टमाटर भी ऐसे ही। ठीक है, बस ये तैयार हो गया, चूल्हा हम बंद कर देते हैं। लो जी, हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। ठीक है, बड़े आराम से जो है ये लें जी, ये हमारी फिश मसाला तैयार हो गई है, चिंगा फिश जो है ना, चिंगा फिश सर्दियों का लाजवाब और मर्दाना कुव्वत का जो है ना खजाना। ठीक है, आप इसको जो है एक दफा ट्राई जरूर करें। लो दोस्तों, ये चिंगा मसाला ये हमारा तैयार हो गया है, तो इसको एक दफा ट्राई करें। अगर मेरा चैनल आपको पसंद है तो इसको जो है ना लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाया करें, कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, खुशी होगी। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़ बिस नेक्स्ट रेसिपी के लिए। अल्लाह ताला आपको अपनी हफाजत में रखे, मेरे लिए दुआ करना। ओके, खुदा हाफिज़।